उस दिन भी ठंड कुछ इसी तरह की थी। चाय की कुछ चुस्कियों भर में ही एक नया रिश्ता सा शुरू हो गया था। अब सोचता हूं तो लगता है कि अगर वो चाय ना होती तो मैं कभी जिंदगी को इस नजरिए से देख नहीं पाता। आजकल कितना काम है, छोटी छोटी खुशियों के लिए वक्त ही नहीं है। सब भाग रहे हैं किसी न किसी मंजिल की तरफ, पर हम भूल जाते हैं ये रास्ते, ये सफर ही असली मजा है। कि अगर भटके तो कभी मंजिल पे पहुंच नहीं पाएंगे। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे पापा के साथ रहना है। मैं जा रही हूँ। सब्जी चलिए, देर हो जाए। Our life is like a train journey. Everything is pre-decided. From the source to the destination. The halts are the relations and signals are the duration. We leave it as a journey. We meet people, develop emotions, share a bond and head to the destination. How we spend the moments are, how we would be remembered. All we need is to travel the life. कोई लोग आते हैं बड़ी शहर से और आप लोगों को पैसा का लालचन दिखाती है और बोलते है बच्चे उधर भेजिए, तो ये नहीं भेजना है। तपाईको नानीहरुलाई स्कूल पठाउनुस, पढाउनुस, नानीले पढेको छ या पढेको छैन हेर्नुस। वो आप लोगों के जिम्मेदारी है कि स्कूल भेजिए, पढाइए, लेखाइए, और ये बच्चे का एक अधिकार भी है। वुमेन ट्रैफिकिंग, पॉवर्टी, एजुकेशन, ये आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। सबले बुझे नहीं। यू नो आंचल, हमारे देश में बच्चों को मिनिमम एजुकेशन के फैसिलिटीज भी नहीं मिलते। मुझे लगता है ये सब डिपेंड करता है अपने पेरेंट्स के ऊपर। अगर वो चाहते बच्चे काम करे, कुछ कमाए, तो फिर हम क्या कर सकते और गवर्नमेंट भी क्या करे? नहीं तो It depends upon everyone in our society. One person cannot eradicate poverty. नहीं तो कौन माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, है ना?
Excuse me, Anjali. पता नहीं वो मुझे पहचानेगी भी या नहीं। जी मैं राजीव तस्लीमा। ये तो तस्लीमा का फोटो है। पिछले साल जब मैं दार्जिलिंग आया था तब उसकी ये फोटो ली थी मैंने। और साल में वो बहुत टूरिस्ट आ रहा है इसलिए हमको पहचान नहीं मिलता है। चाय देना। हाँ अभी भी चाय पीजिए, दार्जिलिंग वाला खुशबू वाला चाय। जी शुक्रिया। सोमा? नहीं मैं तस्लीमा। अरे मेरी बच्ची कैसी है? ठीक है। तूने मुझे कैसे पहचान लिया? मुझे पता था आप वापस आएंगे। माँ हमेशा बोलती थी हम गरीब हैं, हम मुश्किल से रहते हैं। ये 2 साल का था। 2 साल गुजरने के बाद इसका पापा ने छोड़ के चला दूसरा निकाह कर लिया। इतना दिन से चाय बेच रहा है, 6 साल से चाय बेच के, तो हम घबरा गया। तो इतना टूरिस्ट लोग भी नहीं आता है, तो हम सोच रहे हैं तो चला जाएंगे ना इस्लामपुर। इसका पढ़ाई कर लिए, हिम्मत करके रखा हुआ है तो नहीं, अभी ठीक है, अभी अच्छा ही चल रहा है थोड़ा बहुत। चाय चाय दार्जिलिंग वाली खुशबूदार चाय चाय। अंकल ये तो मेरा फोटो है। हाँ तुम्हारी फोटो है। थैंक यू अंकल। आप कहाँ रुके हो? होटल चार्लेट। बाय बाय अंकल। बाय बेटा।
चाय चाय दार्जिलिंग वाली खुशबूदार चाय, चाय चाय दार्जिलिंग वाली खुशबूदार चाय, चाय 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 चाय। इधर आओ, क्या हमें भी मिलेगी वो खुशबू वाली चाय? थैंक यू। अच्छा ये देखो, मैंने तुम्हारे फोटो खींचे हैं। अंकल मुझे ये फोटो मिलेगी? जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। तुम अपना पता बता दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी फोटो भेज दूंगा। हम लोग का कोई पता नहीं, पर वो मेरी माँ है और मेरा नाम तस्लीमा खातून, और मैं वो चाय बना रही है और मैं यहाँ पे आप यह चाय बेच रही हूँ। फोटो आएगी ना? हाँ बेटा जरूर आएगी। तस्लीमा क्या हुआ, तुम्हारा स्वेटर कहाँ गया? एक ही स्वेटर था स्कूल का, घर में धोने के लिए रखा है। तुम ये चॉकलेट लो, लो ना प्लीज। क्या हुआ, ये लो। क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो ना। चलो बाय। देखो राजीव,
तुम्हें बार बार कहने पर भी समझ में नहीं आता। देखिए, मुझे आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। अरे जो कुछ कहना है कोर्ट में जाकर कहिए, मैं भी चाहता हूँ ये झमेला यहाँ निपटना चाहिए। साइन ऑन द सेपरेशन पेपर एंड क्लोज द चैप्टर हियर। ठीक है, ये लो तुम्हारी किताब, ये तुम्हारी, गुड बाय। बाय। 3 बजे मिलेंगे ना खेलने के लिए? अंकल प्रॉमिस। ये सब पैसे बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं है। किसी को दया दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? अपनी बीवी बच्चे तो संभलती नहीं तुमसे, दूसरों के लिए क्या करोगे? हेलो हेलो। ओह हाय। आई हैव बीन नोटिसिंग यू, कैन आई आस्क यू समथिंग? इस दुनिया में बहुत सा तस्लीमा है, और आप कितनों को खुश रख पाएंगे? उन्हें जो प्यार की जरूरत है आप 1-2 दिन में दे नहीं सकते। हमेशा बोलती थी हम गरीब हैं, हम मुश्किल से रहते हैं, पर अमीर लोगों के पास सब कुछ है, पर प्यार के लिए वक्त नहीं है। तस्लीमा स्कूल से आया है नहीं सर। अच्छा, आज चाय पीजिए। अच्छा जी, मुझे चलना होगा, टाइम हो गया है। थोड़ा बहुत रोकिए ना, तो आ जाएगा। मुझे गाड़ी भी पकड़नी है ना, ठीक है? वो तस्लीमा है तो बोल देना। अच्छा, ये थोड़े पैसे हैं तस्लीमा की पढ़ाई के लिए, रखिए। इतना नहीं है सर। नहीं, रख लीजिए ना। ठीक है जी, मैं चलता हूँ, नमस्ते। आ गया सर से। हाँ, एक तो स्पेशल चाय बना दे, अंकल आते ही होंगे। मेरा अंकल चला गया गांव में। क्या, कब? अब भी चला गया। Thank you.
दीदी दीदी अंकल कहाँ चले गए? वो तो चला गए। ऐसे ही हमारी दोस्ती एक चाय के ग्लास से शुरू हुई थी। अगर चाय नहीं होती तो मैं शायद इस वक्त कहीं और होता, इस दुनिया को और जिंदगी को समझने के लिए। पर उस दोस्त ने मुझे बड़ी आसानी से जिंदगी का मतलब समझा दिया, उसकी खुद की दुनिया दिखाकर। शायद हम जब बड़े हो जाते हैं तब हम बच्चों की तरह सोचना बंद कर देते हैं और बच्चों के नजरिए से दुनिया कुछ अलग है, वो है प्यार की दुनिया। अगर हम सब उस दुनिया को देख पाते तो शायद कुछ और ही बात होती। बाबूजी ये रही आपकी चाय। आपकी चाय बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी?